रानी को और शहर से बाहर हो जाइए। हाँ थोड़ी ऊपर मड़ी उबार ऋषि का गाते हैं गए पसीना आ जा पसीना नहीं आया मेरे तो आया नहीं पहले तो पसीना आ गया। हाँ पसीना ले भाई दादा ले भाई ले पसीना ले ले बोला रे हृदा पाट के सौ रुपये से तीनों में मान सम्मान गया बाबा डोली तो घड़ी मार दिया करूँ मैं पर समय को न्याय हो। हाँ जय घर में रैड दिखती हो ना उन्हें मैं डोली नहीं मारे करता फिर अपने घर ने कौन खराब करेगा। बाबा घर की बात बंदी घर हम बैठ पुतला है घर का सोता है हमारा ये बहुत अजीत छोटे भाई प्रवीण कुमार जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात ये भाई ने सुनाई है हमारी बात भी यहीं से केक केक वस्त्र दे के राजा नल और दमयंती को शहर से बाहर कर दिया जाता है। भूखे मर्त्या ने पूरे हो लिए दिन तीन फिर उठ चले थे वनवास में। राजा नल बनखन कैमा आगे उड़े दो तीतर धरते पागे मेरे तन के वस्त्र न ले भागे। राजा नल हो गए बलहीन
फिर कलयुग बोला था आकाश। राजा नल के वस्त्र को जब लेके तीतर उड़ जाते हैं, ऐसा है रूप में एक ब्रेक के पीछे छुप जाता है, आवाज लगाते हुए दमयंती आती है कि हे पतिदेव कहाँ हो, कि मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, के सामने आ जाओ। कि ऐसी अवस्था में नहीं कि मैं आपके सामने आ जाऊँ, क्या हुआ कि मेरे पास में वस्त्र नहीं है, तो तेरा जो वस्त्र है आधी साड़ी मेरे को दे। आधी साड़ी दमयंती ने लफा दी राजा नल की तरफ, दोनों चल पड़ते हैं। राजा नल बहुत दुखी हो जाते हैं ये दृश्य देख के कि दमयंती तेरा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है, तो कुंदनपुर चले जाए। केकले ने कुकर छोटू जयंत भी प्यारे ने, यह मनसा से तो तू भी चाल घर मारे ने, तू चाल ने। राजा नल इनकार करते हैं, बिला रहे ओ ब्योत के से मैं कुंदनपुर चाल पड़ू, क्या कहा मेरा कौन सा ढंग ससुराड़ी जाड़ का, दमयंती बोली बुरा कहे कोई भला कहे, कोई राम राम कोई हो, गुण साढ़ बोली भाई, बुरा कहे कोई भला कहे, कोई राम राम हो, गुण मसर दे अंदर हम फलवार ना लाओ पर गुरु जी सौ रुपये ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। बार बार नमस्कार करो रामफल कौशिक जी, सौ रुपये ईश्वर मान सम्मान करते, भीम सिंह जी सौ रुपये ईश्वर मान सम्मान करते, धन्यवाद है, धन्यवाद। समा है प्यार का इसके इंतजार को, दिल ना सुधर कहीं मेरा मौसम बहार का, ये समा समा है प्यार का इसके इंतजार को, दिल ना सुधर कहीं मेरा मौसम बहार का, ये समा। दादा ने उस सतयुग की बात करी जिस सतयुग में इन गढ़वों को कल से कहा करते, और त्रेता में जारी
और आज कलयुग में ये है कड़वे, सुनने की बात है दादा की, कोई अच्छी बात कोई ना जो कह दिया वो सच है। आज ये कड़वे हैं, उस सतयुग में राजन के राज में राजन ने कहा कल से नुबर के कई कई कल से नुन्ने शेड़े के नुन्ने तात्य के रानी के लिए, और आज इस रानी को वनवास हो गया, राजपाट जितवा दिया तने, दुख मान गया राजा ने, के कहन लग गया गरम शरद पानी के सौदासी सिंगार करे थी दमयंती रानी के शादी के मसेल के लिए खुशगर की वाणी के एक साड़ी में तोड़वाए, एक साड़ी में तोड़वाए, या सबक साड़ी में तोड़वाए, उस लड़की माता ने सुनाई, ओ गंदा पांच में आड़ लगा, आड़ करे ने गोली, उस लड़की माता ने पार्टी के नाम गीत गाओ ले जा कर लोगों बताते हैं
पुष्कर ने ऐसी बात कही, रानी दमयंती नुकल लगी, पुष्कर आपके लायक बात नहीं, ये आपका बड़ा भाई है, मैं आपकी भाभी हूं, एक फर्ज और है कि भाई का भाई पैर करे, आपने तो छोट बढ़ाई भी खो दी, बाहर निकाल दिए। और सुने, मैं जानती हूं आप निदानते, मैं जानती हूं ये किसे देवताओं की माया है, जिस सोमवार में चार देवता थे और मैंने चार देवताओं को छोड़कर एक राजन को मनुष्य को पति बना था, मेरे पति का कोई खोट नहीं। और आज के लोग आई रामफल कौशिक जैसा काम करते हैं, हम तो क्यों कहेंगे भाई पंचायत भी वह काट दो इसमें। वह जब भी नु करी सब कुछ जता दिया, फिर भी नु करी मेरे पति का कोई खोट नहीं है, वो देवताओं की मेहरबानी है, कोई मारी गलती हुई है। अब मैं चार देवताओं के रहते हुए एक मनुष्य को पति भर लिया, दमयंती अपने देवर पुष्कर को समझाती है, क्या बताती है, सती का धर्म जान गए, सती सती का धर्म जान गए, खेल पति के होली उस घर की बात ने सुन रानी की ओ Oh,
महाशय जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। आखिरी कली में पंडित जी ने बताया कि एक वस्त्र रानी को एक राजा ने को दोनों को देख के शहर से बाहर कर दिया। वहां शहर से बाहर लोगों बताते हैं 2 दिन बीत जाते हैं। दादा लक्ष्मी चंद ने वर्णन किया वीर मर्द का, अब कैसे में शहर के गोरे राजा और रानी कैसे रहे। धर्म और अधर्म दादा ने न्यू तोल दिया। राजा नल और रानी कैसे मारे, क्या था बहुत प्यार करते हैं उनको सब, बहुत प्यार करते हैं सुमित, तैयार हो जा, फटाफट तैयार होगा आ जा। रंजो मन क्यों तुम्हें